लॉकडाउन में आपके सारे करोड़ों फैंस और हमारे सारे व्यूअर्स सब घरों में बैठे हैं, अब सुनील शेट्टी मिल गए तो वो जानना चाहेंगे आपकी जितनी फिल्में आपने की हैं उनमें से 4-5 नाम तो सबको पता है क्योंकि वो सुपर डुपर हिट फिल्में थी और फेवरेट फिल्म थी सबकी, आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी रही है आपके करियर की? देखिए बॉर्डर व्हेन इट कम्स टू पेट्रियोटिक फिल्म, यूनिफॉर्म में अगर किसी को देखना चाहेंगे और उसको सल्यूट करना चाहेंगे, जो पुलिस है, जो जो बाकी अफसर्स हैं, आर्मी नेवी सीआरपीएफ डॉक्टर्स, तो आई थिंक बॉर्डर उसके लिए जो जो खुश रहना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यार मुश्किल वक्त में भी कैसे हम हंस सकते हैं और कोशिश करते हैं खुश रहने की, तो आई थिंक हेरा फेरी की बात करूंगा। अगर जिल्टेड लवर्स को अपनी गर्लफ्रेंड्स को मिलने की बड़ी तमन्ना और हो नहीं पा रहा तो आई थिंक धड़कन देख लीजिएगा, देव को देख के आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। सोशली रेलेवेंट फिल्म अगर मेरे हिसाब से किसी को देखना है तो आई वुड टॉक अबाउट हो तो तू और रेड अलर्ट और या आई थिंक ये टॉप फोर। अगर आतिया और अहान उनकी फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है? आई थिंक गोपी किशन, हेरा फेरी, बॉर्डर, ये तेरा घर ये मेरा घर, यू नो। अच्छा, ये आपके आपके दोनों बच्चे भी आपकी यही वाली फिल्में ज्यादा देखकर खुश होते हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, और आपको आतिया की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? मोतीचूर चकनाचूर, और ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया हीरो के साथ रहेगी क्योंकि पहली फिल्म थी मुबारका, बहुत अच्छी फिल्म थी। बट पर्सनली फ्रॉम एन आतिया'स पर्सपेक्टिव, बाप की हैसियत से, बाप के नजरिए से देखूंगा तो मैं कहूंगा मोतीचूर चकनाचूर, क्योंकि यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ हर एज एन एक्टर, और नेटफ्लिक्स पे चल रही है और बहुत सारे लोग मैसेजेस मुझे भेजते हैं कि यार आतिया को बोलना कि क्या काम किया है उसने एज अ स्मॉल टाउन गर्ल। तो यू नो कहीं ना कहीं अब अगर हम जी रहे हैं और टेंशन है तो सिर्फ बच्चों का ही टेंशन है और बाकी कुछ नहीं, तो आई थिंक यू नो। अच्छा, बेटे को भी हीरो ही बनना है क्या आपके जैसा? 90% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, साजिद नादियाद वाले की फिल्म है, तड़प नाम है, मिलन लुथरिया डायरेक्टर, 10% बाकी था और लास्ट दो गाने होने थे और ये लॉकडाउन हुआ, बट यू नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर एवरीबॉडी, और जो हर बच्चे की डेस्टिनी में लिखा है आहान के भी डेस्टिनी में होगा। और क्योंकि साजिद नादियाद वाला और 20th Century Fox डिस्ट्रीब्यूटर है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिलीज मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, आपने अभी 2-3 बार आपने कहा कि दोस्त वगैरह फोन करते हैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा सुनील कि आपके समय के जो आपके दोस्त थे, आपके साथी कलाकार थे, उनके 2-3 नाम तो हमें याद है जिनमें अक्षय सबसे पहले आता है क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में उनके साथ की भी हैं, तो आपके पुराने कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनसे आज भी आप टच में हैं? आई थिंक अक्षय अजय से कल ही बात हुई, संजीव से बात होती है, सलमान से बात होती है, सभी से बात डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ, जैकी दादा, गुलशन, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ और बहुत ही क्लोज और करीब भी हूँ। बाकी तो मेरे यू नो 14 या 15 स्कूल के दोस्त थे जो हम हर सैटरडे अगर बंबई में होते हैं तो कोशिश करते हैं कि मिलने, अबाउट 55 ईयर्स की दोस्ती है हमारी, तो अच्छा, आज तो भी पक्की आ रही वो स्कूल वाली है अभी भी। Absolutely, क्योंकि हर चीज हम शेयर कर चुके हैं, you know, success के साथ साथ failure, the highs, the lows, the families, the tensions, बीमारी, हर वो चीज, so I think वो दोस्ती कभी जा नहीं सकती और वही दोस्ती है जो आज तक मुझे सेफ बनाया रखा, ग्राउंडेड रखा। ठीक है, ओके। आपने अभी जो 4-5 नाम लिए, अक्षय का लिया, सलमान का लिया, अजय देवगन का लिया, तो ये सारे के सारे एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने 20-25-30 साल आपके साथ साथ इन्होंने अपना करियर आगे बढ़ाया है, तो आज 2020 में आपके हिसाब से सबसे अच्छा करियर किसने अपना पेस किया है, सबसे अच्छा किसने आगे बढ़ाया है? आई थिंक सलमान, अजय, अक्षय कमाल का काम कर रहे और आज भी लगातार top 3 है इंडस्ट्री में, बच्चों से भी ज्यादा हिट और बड़ी हिट दे रहे, सोशली बहुत ही रेलेवेंट फिल्में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे फिल्में कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो दे नो द ऑडियंस, दे नो द पल्स, और अच्छे इंसान और ऑनेस्ट इंसान। आप उतनी फिल्में क्यों नहीं करते सुनील जितनी पहले किया करते थे? आई थिंक यू नो कहीं ना कहीं गलतियां मैंने बहुत की और उन गलतियों की वजह से पीछे रह गया, लेकिन ये लोग मुझे इंस्पायर करते हैं और फिट रहने के लिए इंस्पायर करते हैं, आज भी वो एक होप देते हैं कि यू नो लगे रहो एंड कहीं ना कहीं द राइट फिल्म विल कम टू यू एट द राइट टाइम।
तो और वो मैं चीजों को वैसे ही देखता हूँ क्योंकि एवरीथिंग सेड एंड डन। हाँ, आपने कहा कि ये लोग आपको इंस्पायर करते हैं वर्कआउट करने के लिए और अच्छी बॉडी बनाने के लिए। हमें तो लगता था कि आपने इंस्पायर किया है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप वो इतने फिट है कि जब आदमी काम नहीं करता और ब्रेक ले लेता ना, कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं उसको। लेकिन द मीडिया हैज बीन काइंड टू मी एंड यू नो एक्टर फ्रेंड्स ऑफ माइन लाइक दिस इंस्पायर में, मुझे इंस्पायर करते हैं। अनिल कपूर को देखिए आप इंस्पायर करते हैं। मैं अनिल जी से परसों ही बात कर रहा था कि ऐसे पोस्ट मत किया करो यार, पहले तो अच्छे एक्टर हो, ऊपर से अभी आर्म्स भी दिखा रहे हो, मुझे कॉम्प्लेक्स मत दे देना, हम क्या करेंगे। नहीं तो हंस रहे थे हम, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो वी आर इन टच विद ईच अदर और मैंने रियलाइज किया है कि हाँ यार इस दौरान मैं उन सबके कॉन्टेक्ट में रेगुलर हूँ, सोचता नहीं हूँ, लेकिन कल ही बात हुई, परसों ही बात हुई, ऐसी बातें हो रही है इनके साथ।